नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं manoharajna.com। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए दो तीन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो है हमारी वेबसाइट के बारे में, जो कि manoharajna.com के नाम से आप इस ट्रेनिंग सेशन को क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें खुल जाएगी जिसमें कि है एडवांस इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग माफ कीजिएगा, और है ऑप्शन ट्रेडिंग के वर्कशॉप भी चलते हैं हमारी टीम द्वारा, और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग सिखाई जाती है, और टेक्निकल एनालिसिस। यदि आप ट्रेडिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं, दूर रहते हैं या आपको ऐसा लगता है कॉस्टली है, तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं और कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक के भी, एक एक कैंडलस्टिक को डिटेल में समझाया गया है, लाइव चार्ट में समझाया गया है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और यदि आप लाइव ट्रेडिंग रूम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस साइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर हमारे द्वारा किए जा रहे प्रॉफिट्स के कुछ वीडियो भी डाले गए हैं ताकि आप उससे मोटिवेट हो सकें। जैसे कि ये हमारा जो एक वीडियो है, इसमें हमने दो ट्रेड लिए थे और इसमें 52,500 रुपये का प्रॉफिट किया था, उसके बाद 28,200 का प्रॉफिट हुआ है, एक बार 22,000 रुपये का प्रॉफिट है, 11,000 रुपये का। और ये हमारे एक टेक्निकल टीम के जो माफ़ कीजिएगा एक ऑप्शन ट्रेडिंग डेस्क हैंडल करते हैं, ये मनोहर सिंह जी हैं। और बाकी टीम मेंबर से जुड़ने के लिए या उनका प्रोफाइल जानने के लिए आप जा सकते हैं होम पेज पर, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक बार और बताना चाहता हूं मैं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और, कि आज हमने एक नए टेलीग्राम ग्रुप को बनाया है जिसका नाम है manoharajna.com। यदि आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली आपको लिखना है manoharajna.com इस सर्च बटन में, और जैसे ही आप इसमें सर्च में डालेंगे तो आपको ये ऐसा खुल जाएगा और आपको इसको ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं SBI के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, SBI का चार्ट जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, SBI का चार्ट जो कि 330 रुपये के ऊपर आज क्लोजिंग दी है इसने, अभी रिसेंटली ये 250 रुपये के लो लगा के आया है और वहाँ से इसने करीबन 80-90 रुपये की मूव दे दी है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि एक ख़तरनाक जोन में है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम लेके बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा आपके सामने ताकि आपको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने में थोड़ी सी सहायता हो सके। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर जब मैं ये कर्सर लेके जाता हूँ तो जो नीचे तारीख चल रही है, आप उस तारीख पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, 5-7 दिन ऊपर रहा, कब, ये नवंबर 2017 के दौरान, ठीक है, लेकिन वापस प्राइस नीचे गिरा दी, फिर ऊपर गया है, वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला इनको जनवरी 2018 में, फिर कीमतें आई वापस 240-230 के आसपास, फिर ऊपर गया और लगभग 230-330 के आसपास का हाई लगाए और वहाँ से वापस सेलिंग आ गई इसमें। और ये घटना हुई थी अगस्त 2018 में, ठीक है। तो 2017 से चल रहा है ये और इसको रेजिस्टेंस मान रहा है, तो एक दो और यहाँ पर तीसरी बार भी फेल हुआ, रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, फिर छोटे छोटे मूव्स आने लगे। फाइनली एक बार आया था ये अप्रैल 2019 में, लेकिन वापस सेलिंग प्रेशर आया और वापस इसको नीचे 300 तक के लेवल दिखा दिए इसने। और दोस्तों, ये जो गैप अप ओपनिंग आप देख रहे हैं, ये है लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए थे उसकी, जो एग्जिट पोल आया था उस दिन इसने गैप अप ओपनिंग दी थी और ये कुछ समय रहा ऊपर, 330 के लेवल के ऊपर काम किया इसने और वापस उसी लेवल के नीचे आ गया है ये अगस्त 19 में, मतलब 1 अगस्त 2019 से ये नीचे कामकाज कर रहा है। और कल 19 नवंबर 2019 को इसने उस लेवल पर क्लोजिंग दी है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास अब दो विकल्प बचते हैं, या तो ये जो पिछली हिस्ट्री दिखा रहा है कि वापस इसको रेजिस्टेंस मिलता है और रेजिस्टेंस से नीचे गिर जाता है, तो या तो आज सुबह भी ये नीचे डाउन ट्रेंड दिखा दे, या फिर यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर चले जाए और 2-3 दिन ऊपर के लेवल को सस्टेन कर दे और ऊपर क्लोजिंग पे ही बना रहे, यानी कि 330 के ऊपर की अच्छी क्लोजिंग देता रहे ये 2-3 दिन के लिए अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम इसमें लॉन्ग कर सकते हैं 380 के टारगेट के आसपास। और यदि ये यहीं से रेजिस्टेंस हो गया है और 330 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है हमें आज, तो हम वापस इसमें बियर ट्रेड बनाएंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।